सर क्या मैसेज देना चाहिए, हम क्या करें, हम सपोर्ट में लगे रहे या नहीं लगे रहे, आपको क्या लगता है आईसीए ने क्या करना चाहिए एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? मेरा सीधा साधा एक कहना है, मैं दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ और दिल से बात करता हूँ कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और इतना बड़ा जन समूह जो है वो आवाज़ उठा रहा है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। और दूसरा अन्याय ये है जो इंस्टीट्यूट कर रहा है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, उनको एक्शन लेना चाहिए। तो आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, और मैं इसलिए आपके साथ खड़ा हूँ क्योंकि मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, मैं भी तो इसी रास्ते से निकल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ। तो आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और इस मामले में इंस्टीट्यूट के खिलाफ मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया। सर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, बच्चों के एग्जामिनेशन है नवंबर में और सिर्फ 35 दिन बाकी एग्जामिनेशन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर अगर आईसीए अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, क्या आपको पता नहीं आईसीए ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, बिकॉज आईसीए के लिए 14 दिन का टाइम लगता है एंड ऑल दैट, आप क्या कहना चाहोगे कि आईसीए ने क्या इमरजेंसी मीटिंग लेकर इस मैटर को जल्दी से खत्म करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आईसीआई को इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए और इसके ऊपर चीरा दे के बात को ख़त्म करना चाहिए कि हम एक पहला कदम जो है वो हमने वी हैव इनिशिएटेड द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स अमेंडमेंट ऑफ दिस सेक्शन 39(4). नंबर टू, जो स्पेसिफिक केसेस हैं जो इस एमसीक्यू की वजह से जो लोग पीड़ित हैं उनका इंडिविजुअल जो है इनको रिजॉल्व करना चाहिए। और जहाँ तक एग्ज़ाम का है, कई लोग आएंगे आप तैयारी करो, अरे तैयारी मैं करके फेल हो जाता हूँ तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं क्या तैयारी करूँ? यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो डीमोटिवेट हो चुके हैं कि भाई पढ़ लिख के भी अगर जो है इस तरीके से हमारे साथ होगा तो अगर ठीक करके आदमी फेल हो सकता है तो फिर आदमी का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। इंस्टीट्यूट 35 दिन है, अरे 35 के 135 दिन करने में क्या लगता है? अगर ये अमेंडमेंट करके इंस्टीट्यूट भी तो कर सकता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? क्या बात है, एक बटालियन सर के लिए बजाओ ताली। एग्जाम भी तो पोस्टपोन हो सकता है कि इन व्यू ऑफ दिस इमरजेंसी सिचुएशन फॉर एग्जाम्स आर पोस्टपोन। पहले क्या पहले कभी नहीं हुए? हो सकते हैं वो, हो सकते, क्यों नहीं हो सकते सर? आप डटे रहो, क्योंकि अगर आप डटे रहोगे तभी आपका काम होगा। मेरे पिताजी ने मेरे को जाती दफा बात की थी, बेटा अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना, इसलिए भाई आपके साथ खड़ा हुआ है आज। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्या बात आपने बोली है। सर एक बात आपसे कहना चाहेंगे सर, अभी इस समय देश में जितने भी जगह पे लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट लगातार वर्चुअली भी चलता रहे? बिल्कुल, दिल्ली में ही चलता रहे? नहीं नहीं, हर जगह चले, क्योंकि एक व्यक्ति थोड़ी पीड़ित है, दिल्ली वाला थोड़ी पीड़ित है, पूरा देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पीड़ित हैं। और हमारा ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है बनी है इंस्टीट्यूट की, ये कोई मेंबर्स ने नहीं बनाई, ये कोई एम्प्लॉइज ने नहीं बनाई, ये आप लोगों के पैसों से बनी है स्टूडेंट्स के लिए। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। और सर इस बार जो देखने में आया सर, सब्जेक्टिव में अगर वो गलतियां करते हैं सर चेक करने में तो बात एक है, पर इस बार तो ऑब्जेक्टिव में भी उन्होंने गलतियां कर दी, तो आपको लगता नहीं ये कुछ बहुत ही ज्यादा ही गलत हुआ? ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्कैम है भाई। सब्जेक्टिव में तो समझ आता है कि जिसको जितना आता था उसने उस हिसाब से नंबर दे दिए। अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर भाई चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में भी अगर आप गलती कर दोगे तो फिर तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती, कोई हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, तो सर अभी हमने क्या हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं सर कि इसमें प्रेसिडेंट सामने आए, एक यूट्यूब पे वीडियो जारी करके क्या एक्शन प्लान ऑफ एक्शन है और वो क्या सोच रहे हैं? अभी तक सर उनके साइड से हमें कोई गारंटी आश्वासन उनकी साइड से अभी तक नहीं है। भाई बेटा मैंने पहले भी बोला था, यू राइट ए मेल टू द इंस्टीट्यूट एट डोंट रिप्लाई, यू राइट अनदर मेल दे कीप मम, तो वहाँ से एक्सपेक्ट मत करो। अब ये है कि एक जज्बा आप लोगों को अपने अंदर लाना है। हाँ जी, वो एक शेर के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार और शेर बोल दीजिए सर, कि वो सिर्फ ही हवा थी। अरे जरा, वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे और मैं आखिरी चराग था, जलना पड़ा मुझे। नाउ और नेवर, क्योंकि आज आप अगर ये करवा जाओगे आगे आने वाले लोगों के लिए सुधार हो जाएगा, आप अगर नहीं करोगे तो आगे वाले लोग सफर करेंगे, तो आप अगर कोई अच्छा काम करोगे तो उसका जो फल है वो आगे आने वाले लोगों को भी मिलेगा और वो दुआएं देंगे आपको।